नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हैप्पी न्यू ईयर। आशा करती हूँ कि आप अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग ऑफ शार्लेट टिलबरीज पैलेट ऑफ पॉप्स आई शेडो पैलेट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। क्योंकि एनालिटिक्स के हिसाब से 80% ऑफ द व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल एज येट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। तो इस बॉक्स को हम अनबॉक्स करेंगे। क्योंकि ये कोरोना काल है तो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है और मैंने namshi.com से शार्लेट टिलबरी के प्रोडक्ट को मंगाया है। चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। namshi.com एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आपको तरह तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कपड़ों से लेकर मेकअप तक सब कुछ मिल जाएगा आपको। और इसकी जो डिलीवरी है बहुत ही फास्ट होती है। द डे आई ऑर्डर द पैलेट, द वेरी नेक्स्ट डे आई रिसीव द पैलेट। तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट डिलीवरी वाला हिसाब किताब है यहाँ। तो आउटर कवरिंग पर लिखा हुआ है पिलो टॉक लग्जरी पैलेट ऑफ पॉप्स कलर कोडेड आई शेडोज ओम्ब्रे ए पॉपेरिस। मैं ट्राई भी नहीं करूँगी क्या कुछ तो लिखा है। और ये कंटेन करता है 5.2 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट यानी कि 0.18 ओजी। पीछे लिखा हुआ है आई हैव डिकोडेड द सीक्रेट टू मेसमराइजिंग आईज इन एन ईजी टू यूज एप्लीकेशन रिचुअल। और इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। अगर मैं फ़र्स्ट इम्प्रेशंस की बात करूं तो ऑनेस्टली मुझे ये पैलेट बहुत ही छोटा लग रहा है। इसका जो प्राइस मैंने पे किया था वो 240 दिरहम्स है और 240 दिरहम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं मानती हूँ कि ये लग्जरियस ब्रांड है और ये प्रोडक्ट लग्जरी प्रोडक्ट है और ये मेरा पहला शार्लेट टिलबरी मेकअप प्रोडक्ट है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो साइज़ है वो छोटा है। तो शेड्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और बहुत ही ज़्यादा शिमरी दिख रहे हैं। आई होप ये आईज़ पर भी अच्छे दिखें क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस को देखा है और वहाँ पर जिस तरह से इस पैलेट को डेमोंस्ट्रेट किया गया है आई वॉज माइंड ब्लोन। सो इसलिए मैंने इस पैलेट को परचेज किया है एट द फर्स्ट प्लेस क्योंकि आई वॉज वेरी वेरी मेस्पराइज बाय दिस पैलेट। और ये जो मिरर है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओवरऑल ये पैलेट मुझे अच्छा लगा टू लुक एट। अभी इसके साथ मैं काम करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि मैंने पैसे वेस्ट किए हैं या ये टोटली वैल्यू फॉर मनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पिलो टॉक लग्जरी पैलेट ऑफ पॉप्स कलर कोडेड आई शेडोज। और यहाँ पर ये भी मेंशन किया हुआ है कि 30 मंथ के लिए आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं और इसका नेट वेट जो है वो 5.2 ग्राम्स है यानी कि 0.18 ओजी, मेड इन इटली। और ये इस तरह का कुछ दिखता है। बात करें पैकेजिंग की तो आप देख सकते हैं पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस है और ये दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और इससे मैं इम्प्रेस्ड हूँ। एटलीस्ट पैकेजिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ एक एक शेड। तो सबसे पहले ये वाला शेड करेंगे हम स्वॉच। कुछ ऐसा दिख रहा है, काफ़ी शिमरी है ये शेड। ये जो शेड है वो डियोक्रोम सा लग रहा है, किसी किसी लाइट में सिल्वर लग रहा है और किसी लाइट में
पिंक शिमर जैसा लग रहा है। अब हम स्वॉच करेंगे इस शेड को। ये रोज़ गोल्ड शेड लग रहा है। ध्यान रखें ये आई शेडोज इसलिए पिगमेंटेड नहीं है क्योंकि ये आई शेडो टॉपर के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं। ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसके तो बहुत ही ज़्यादा कम पिगमेंटेशन है। और अब हम स्वॉच करेंगे इस शेड को। ये पैलेट में सबसे डार्क शेड है और देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो ये भी जो है ज़्यादा पिगमेंटेड है नहीं। ये वाला जो है ये डियोक्रोम शेड लगा मुझे जब मैंने इसे स्वॉच किया। ये जो है ये रोज़ गोल्ड शेड लग रहा है और ये जो है इस वाले से थोड़ा ज़्यादा डार्क है। ये वाला जो शेड है ये पैलेट में सबसे ज़्यादा डार्क शेड है और इसको जब मैंने स्वॉच किया तो ये कुछ ब्रोंजी सा लगा मुझे। और ये जो शेड्स हैं ये बहुत ही अच्छे शेड्स हैं। वैसे तो सच कहूँ तो मुझे हैंड स्वॉचेस देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। मैंने सोचा था ये थोड़े बहुत तो पिगमेंटेड होंगे पर ये शेड्स कुछ ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं इस पैलेट को यूज़ करके आई लुक ज़रूर क्रिएट करूंगी और आपके साथ अपना जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो शेयर करूंगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आप अपना ख्याल रखेंगे और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। आप अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर से दें। अगर आपको मेरा जो कंटेंट है वो अच्छा लगता है कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो वाकई अच्छी लगी या आपने शार्लेट टर्बरी का कोई प्रोडक्ट कभी यूज़ किया है या नहीं। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।